भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद एक अध्याय छः श्लोक संख्या 33 के ऊपर। तो आप सभी मेरे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास कीजिए। प्रयागतः सभी वीर्याणि तीर्थ पाद प्रिय श्रवः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। प्रयागतः स वीर्याणि तीर्थ पाद प्रिय श्रवः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनम याति चेतसि। प्रयागतः स्वीर्याणि तीर्थपादा प्रियाश्रवः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनम याति चेतसि। अनुवाद। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं मानो उनको आमंत्रित किया गया हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम रूप लीलाओं तथा उनकी शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं है। जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम रूप तथा लीलाओं का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण रूपी शुद्ध भक्ति में लग जाता है त्यों ही श्री भगवान आध्यात्मिक दृष्टिपटल टेलीविजन द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उसकी दिव्य आँखों के सामने दिखलाते हैं। अतएव शुद्ध भक्त जो श्री भगवान से दिव्य प्रेम भक्ति के कारण जुड़ा रहता है वह प्रतिक्षण श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। यह सहज मनोविज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपने यश का वर्णन सुनकर आनंदित होना पसंद करता है। यह सहज स्वभाव है और श्री भगवान भी अन्य व्यक्तियों की तरह एक व्यक्ति होने के कारण इस मनोविज्ञान का अपवाद नहीं है, क्योंकि हर व्यक्तिगत आत्मा में पाए जाने वाले मनोवैज्ञानिक लक्षण परम भगवान के उसी मनोविज्ञान के प्रतिबिंब ही हैं।
अंतर केवल इतना है कि श्री भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं और अपने समस्त कार्यों में अलौकिक हैं। अतः यदि शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से श्री भगवान आकृष्ट होते हैं तो इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं। अतः वे अपने महिमा गायन के रूप में प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अभिन्न हैं। श्री नारद मुनि श्री भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि यह महिमा गायन श्री भगवान से अभिन्न होता है। श्री नारद मुनि दिव्य कीर्तन से श्री भगवान के समक्ष पहुंच पाते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। माइक पास कर सकते हैं। ओम अज्ञानत मिरांदस्य ज्ञानांजन शिलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाधरपतयोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शुभासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपालमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचित्तनेश्वरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं फिर से श्लोक का अर्थ पढ़ता हूँ। ज्यों ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, ज्यों ही वे मेरे हृदय स्तर में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको आमंत्रित किया गया हो। तो इस श्लोक में भक्ति की महिमा बताई गई है। भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि वो भगवान को बाध्य कर देती है प्रकट होने के लिए। भगवान से एक बार नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु आप कहाँ रहते हो? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, नाहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में तो नहीं मिलूंगा, हो सकता है कभी मिलूं कभी ना भी मिलूं। योगिनां हृदयेषु च, आप सोचो मैं योगियों के हृदय में मिल जाऊंगा। योगी मेरी बड़ी ध्यान तपस्या करते हैं लेकिन पक्का नहीं है कि मैं योगियों के हृदय में मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, अगर तुम्हें मेरा परमानेंट एड्रेस जानना है तो जहां पर मेरे भक्त लोग मिलकर मेरी महिमा का गान करते हैं वहां पर मैं सदा निवास करता हूँ। तो भगवान का स्वभाव क्या है, अपने भक्तों के पीछे पीछे रहते हैं। अहम भक्ता पराधीना, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। सृष्टि के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भगवान को अपने कंट्रोल में कर सके। भगवान को कंट्रोल करने का मतलब है मूर्खता करना। जो व्यक्ति सोचते हैं कि हम भगवान को अपने अधीन कर लेंगे या हम स्वयं भगवान बन जाएंगे वो व्यक्ति मूर्ख है। जैसे कई असुरों ने ऐसा प्रयास किया। हिरण्यकश्यप ने सोचा मैं विष्णु को हरा दूंगा और इस प्रकार वैकुंठ का राज्य भी मुझे मिल जाएगा। उसने सोचा जैसे स्वर्ग का राज्य मिल गया इंद्र को हराकर, सूर्य लोक का राज्य मिल गया सूर्य को हराकर, चंद्र लोक का राज्य मिल गया चंद्र को हराकर, ऐसे वैकुंठ का राज्य भी विष्णु को हराकर मिल जाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि परम भगवान विष्णु देवी देवताओं से भिन्न है और उनसे बहुत श्रेष्ठ है। भगवान को हराकर उनकी राज्य गति को हासिल करना नामुमकिन है। लेकिन भगवान कहते हैं एक रास्ता है जिसके द्वारा मैं अपने भक्तों को सुलभ मिल जाता हूँ और वो है भक्ति। भक्ति के द्वारा भगवान अपने भक्तों के पराधीन हो जाते हैं, इसीलिए भगवान भक्ति हर किसी को देते भी नहीं। कई लोग कहते हैं कि हम शुद्ध भक्त क्यों नहीं बन जाते, शुद्ध भक्त बनने में इतनी समस्या क्यों है, शुद्ध भक्त कैसे बनेंगे, क्या करें कि हम भक्त बन जाए। हम मीरा जी के चरित्र को देखते हैं, हम ध्रुव जी के चरित्र को देखते हैं, हम प्रहलाद जी के चरित्र को देखते हैं, हम अन्य और भी भक्तों के चरित्र को सुनते हैं तो देखते हैं कि ये लोग शुद्ध भक्त थे, भगवान के भजन में रमे रहते थे।
तो कोई नया व्यक्ति जब नया नया भक्ति में आता है, उसको बोला जाता है भक्ति करो, भक्ति करने से क्या होगा, भगवान भी आपके अधीन हो जाएंगे, तो वो बड़ा खुश हो जाता है, मेरे अधीन भगवान हो जाएंगे। मगर इतना सरल नहीं है। शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है कि विरले ही किसी को प्राप्त होती है, शुद्ध भक्ति हर किसी को मिलती नहीं। भक्त तो बहुत होते हैं भगवान के। अच्छा, भक्त में और शुद्ध भक्त में क्या अंतर होता है? आप कहोगे भक्तों के अंदर में क्या भेदभाव होने लगे? नहीं, एक होता है सकाम भक्त और एक होता है निष्काम भक्त। सकाम भक्त जो होता है वो भक्ति तो करता है, लेकिन साथ में अन्य भी इच्छाएं रखता है। हे प्रभु मेरे घर में सुख शांति रखना, हे प्रभु मेरा धंधा कारोबार अच्छा चलता रहे, हे प्रभु मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही वो भी करा देना, हे प्रभु हमारे नौकरी नहीं लग रही पैसे की कमी हो गई, या और भी अन्य अन्य उसकी इच्छाएं होती हैं। मानसिक क्लेश मुझे बड़े हो रहे हैं प्रभु, मेरे घर में बड़ी समस्या है, आप कृपा करो मेरे सारे क्लेश विघ्नों को हर। तो इस प्रकार से जो अन्य अभिलाषाएं भी रखते हैं, जो अन्य भी इच्छाएं रखते हैं, उन्हें सकाम भक्त कहा जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं मुझे निष्काम भक्त ज्यादा प्रिय है। निष्काम भक्त मतलब मैं भक्ति तो करूं पर बदले में कोई इच्छा ना करूं। हम तो ऐसे हैं, 2 रुपए का भी प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को तो उसमें भी 2 करोड़ की डिमांड रख देते हैं। हमारी हालत बड़ी बुरी है और भगवान दे भी देते हैं, क्योंकि तो भगवान कहते हैं बेचारा जाएगा कहां, पिता के पास ही आता है ना, बेटा मेरा ही है तो मेरे ही पास आएगा मांगने, तो भगवान दे भी देते हैं। लेकिन वो इतने पहुंचे हुए भक्त नहीं होते। जो थोड़े में संतुष्ट हो जाता है उसको ज्यादा बड़ी चीज नहीं मिलती। जैसे मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बड़ा दुखी था अपने जीवन से, उसके पास कुछ पैसे नहीं थे, तो परेशान होकर उसने सोचा मैं राजा के पास जाऊंगा। राजा बड़ा दयालु था और राजा के विषय में सुना भी था कि दानवीर बड़ा है, तो किसी ने किसी मित्र की सलाह से वो राजा के दरबार में गया। तो रास्ते में कुछ सिपाही मिले, द्वार वालों ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? बोले मैं फरियादी हूँ, मुझे राजा से फरियाद करनी है। बोला ठीक है, एक बार हम परमिशन ले लेते फिर तुम्हें बताते हैं। अंदर जाके द्वार वालों ने कहा राजन एक फरियादी आया है, क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? राजा ने कहा उसको अंदर आने दो। फरियादी को अंदर बुलाया और राजा ने पूछा बोलो भाई क्या चाहिए? सारे मंत्री सभासद सब बैठे हैं, राजा के साथ रानी भी बैठी है, शोभा पा रही है और भरे दरबार के अंदर वो व्यक्ति शर्मा रहा है। वो कहते हैं राजन मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। आप बोलो क्या मदद चाहिए तुमको? ते मेरे पास कुछ धन का अभाव हो गया है। बोले कितने पैसे चाहिए बोलो? कहते नहीं रहने दीजिए, पता नहीं आप दे पाएंगे, बड़ा संकोच कर रहा है। राजा ने सोचा लगता है ज्यादा धन चाहिए इसलिए संकोच कर रहा है। बोले फरियादी तुम संकोच मत करो, जितना मेरा सामर्थ्य होगा मैं तुम्हें दूंगा, और अधिक की भी आवश्यकता होगी तो उसका भी कुछ ना कुछ तो मैं बंदोबस्त करूंगा। नहीं 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 पता नहीं कैसे आप दे पाएंगे राजन, मुझे लग नहीं रहा है, मैं कैसे बोल दूं, कैसे मांगू आपसे, बड़ा संकोच कर रहा है। तो राजा को लगा लगता है बड़ी रकम चाहिए। राजा ने अपनी रानी से पूछा भाई क्या करना है इसका? रानी कहती है मेरे गले में जो दौलत का हाथ पड़ा है ये दे देंगे, उसको पूछो तो सही कितना चाहिए, मैं अपने आभूषण देने को तैयार हूँ। राजा कहते फरियादी देखो तुम शर्माओ मत, मैं इस राज्य का भला राजा हूँ और ये राज्य जो है वो मेरे पुत्र के समान है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा तो मांगो तो सही। तो फरियादी बोलते राजा मुझे ना मुझे 100 रुपए दे दो। राजा कहता है 100 रुपए के लिए तू इतना ड्रामा कर रहा है? राजा ने कहा 100 रुपए तो मेरा दरबारी तेरे को दे देता, भगाओ इसको यहाँ से। राजा ने कहा इसको ले जाओ यहाँ से, 500 के 1000 रुपए दे दो। तो जो द्वारपाल था 1000 रुपए तो उसकी जेब में भी थे, उसने पकड़ा कर उसको बाहर से बाहर विदा कर दिया। मूर्ख व्यक्ति होता है जो छोटे में संतुष्ट हो जाता है। अब देखो राजा उसको क्या क्या नहीं दे सकता था। अगर वो राजा को बोलता कि राजा आपको जितना सही लगे आप दे दीजिए तो राजा दे भी देता। हम इतने मूर्ख हैं, भगवान के पास आकर बड़ी छोटी छोटी चीजें मांग लेते हैं। हम भगवान से कहते हैं प्रभु बड़ी भक्ति करी आपकी, बड़ा नाम जप किया, थोड़े क्लेश मिटा दो, थोड़ा घर बंगला बना दो, थोड़ा गाड़ी दिला दो, थोड़ा साड़ी दिला दो। इसके चक्कर में हम बहुत बड़ी निधि भगवान की शुद्ध भक्ति से वंचित रह जाते हैं। जैसे जब हम कोई छोटी चीज मांग लेते हैं तो फिर भगवान भी सोचते हैं कि अगर ये मुझसे भक्ति मांग लेता तो मैं इसको भक्ति पे दे देता, मगर इसने मुझसे ये चीजें मांग ली। हम क्या करते हैं, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु भक्ति दो, शक्ति दो, सामान दो, रुपया दो। भगवान कहते हैं एक तरफ तो भक्ति भी मांग रहा है, एक तरफ तो मुझसे सामान भी मांग रहा है, इसका मतलब तो सकाम भक्ति चाहता है। क्योंकि सकाम भक्ति में ही ऐसा होता है कि व्यक्ति को भगवान का नाम भी जपने को मिले और दुनिया का काम भी चलता रहे।
लेकिन सकाम भक्ति से हमारी मुक्ति होगी नहीं। सकाम भक्ति से क्या होगा, दोबारा से हमें जन्म लेना पड़ेगा संसार में। हो सकता है कुछ समय के लिए हमारा संसार के अंदर रहना थोड़ा आसान हो जाए, हमें कुछ सुविधाएं मिल जाए भगवान की ओर से, लेकिन 84 का चक्कर नहीं कटेगा। माँ के गर्भ में दोबारा आना पड़ेगा, 9 महीने का कष्ट, उल्टे लेटना पड़ेगा, टंगा हुआ होता है बच्चा माँ के गर्भ में उल्टा, और गर्मी लगती है, माँ की जठरानी उसको जलाती है, माँ कुछ भी खट्टा खाती है तीखा खाती है उसका शरीर जल जाता है, छोटे छोटे कीड़े उसकी गर्भ त्वचा को नोचते हैं, और ऐसी अवस्था में 9 महीने तक उसको पड़े रहना पड़ता है। फिर जन्म होता है, जन्म के बाद और दिक्कतें होती हैं, चलना सीखना है, बोलना सीखना है, पढ़ाई लिखाई करना, फिर दुनियादारी करना, इस झंझट झमेले से हम निकल नहीं पाएंगे। इससे निकलने के लिए हमको निष्काम भक्ति करनी पड़ेगी भगवान की। अब निष्काम भक्ति क्या होती है, निष्काम भक्ति का मतलब जैसे मीरा जी ने की थी, जैसे भक्ति ध्रुव जी ने की थी, प्रहलाद जी ने की थी, जैसे तुकाराम जी ने की थी, संत एकनाथ जी ने की थी, या यहाँ पर भी हम देखे पंजाब में हुए हैं एक धन्ना जट हुए हैं, धन्ना भगत ने जैसी भक्ति की थी भगवान की। धन्ने ने ये नहीं बोला कि तेरे को मैंने खाना खिलाया, भोग लगाया, चला तो मेरा मकान ठीक कर दे। धन्ने भगत ने कभी कुछ नहीं मांगा। धन्ने के बारे में ऐसा बताते हैं, भगवान को पत्थर से प्रकट कर दिया था। बचपन में एक मंदिर गए, मंदिर में जो पुजारी थे वो शालिग्राम जी की पूजा करते थे, यहाँ मंदिर में भी शालिग्राम जी हैं, देखने में पत्थर जैसे लगते हैं मगर साक्षात विष्णु भगवान हैं। ये गंडक की नदी से मिलते हैं और ये साक्षात भगवान विष्णु के ही स्वरूप होते हैं। तो शालिग्राम जी की सेवा करते हुए देखा, बोला पुजारी जी मुझे भी एक ठाकुर चाहिए। बोले बेटा ठाकुर की सेवा इतनी आसान नहीं होती है, ये ठाकुर मेरे हैं। कहते नहीं मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो पुजारी ने सोचा बालक है इसको क्या बोलूं। तो पुजारी ने क्या किया, कहा कि चलो कल आना, कल मैं आपको ठाकुर जी दूंगा। तो पुजारी ने क्या किया, अपना मिट्टी कूटने का जो पत्थर था उसको एक सजा धजा के सिंहासन पर बिठा दिया, और दूसरे सिंहासन पर अपने ठाकुर जी बिठा दिए जो थोड़े छोटे थे। तो अगले दिन धन्ना आया, धन्ना बड़ा भोला था। तो पुजारी जी कहते हैं देख धन्ना, ये तो है सेठ ठाकुर, ये राजा ठाकुर हैं जो बड़े वाले थे पत्थर, और ये जो है ये सेवक ठाकुर हैं छोटे वाले, तुझे सेवक ठाकुर चाहिए या राजा ठाकुर चाहिए। बोला राजा ठाकुर चाहिए, सेवक ठाकुर आप रखो, ठीक है ले जा। तो ऐसे बच्चे को जो है लारे में लगा दिया, और धन्ना भगत जो है वो उस मिट्टी कूटने वाले बर्तन को लेकर चले गए अपने साथ में। क्या हुआ, पुजारी जी से उन्होंने बोला इसकी पूजा कैसे करनी है ये तो सिखा दो। बोला बेटा इनको नहलाना धुलाना, भोग लगाना, उसके बाद ही कुछ खाना, कुछ भी खाने से पहले को भोग जरूर लगाना। बोला ठीक है। तब गए घर में, रगड़ रगड़ के नहलाया उनको, बढ़िया बड़े भाव से दूध दही से नहलाया, उसके बाद में तिलक विलक लगा दिए, सब इत्र चंदन आदि तुलसी सब अर्पित कर दी। अब भोग लगाने की बारी हुई तो भगवान थोड़ा ना थे, वो तो पत्थर था। तो कहता है ठाकुर भोग लगा लो। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, वो कहाँ से निकलते हैं, उसको क्या पता भोग कैसे लगता है। अब उसको लगता है ठाकुर जी ना पत्थर के अंदर से बाहर निकलेंगे और खाएंगे, उसने ऐसा सोचा। तो भगवान तो निकले नहीं, वो बोला रहा ठाकरा खा लो ठाकरा खा लो, निकलते क्यों नहीं, शर्माते क्यों हो। अब घर के अंदर जो घर वाले थे कहते बेटा क्या हो गया इसको, हमारे बच्चे को बेटा खाना खाने लग गया वो। तो नहीं अभी तक नहीं खाया इसने, जब तक ये नहीं खाएगा मैं भी नहीं खाऊंगा। धन्ने ने कमरे की कुंडी लगा ली, सारी गली इकट्ठी हो गई, कहते धन्ना पागल हो गया, इसको कोई तो समझाओ, भगवान ऐसे थोड़ा ना सबके सामने आ जाते। बोला नहीं जब तक ये आएगा नहीं तब तक मैं खाऊंगा नहीं। पूरा दिन इंतजार किया, भोग की थाली सामने रखी हुई है, भगवान नहीं आए। धन्ना कहते हैं तुम इतना शर्माते क्यों हो, देखो अड़ियल स्वभाव के लोगों को भी भगवान मिल जाते हैं। अड़ गया धन्ना, कहते जब तक तुम निकलोगे नहीं मैं भी खाऊंगा नहीं। पूरी रात बीत गई, अगले दिन का सुबह सूरज उग गया, धन्ना वहीं पे बैठा हुआ है, जा नहीं रहा है। कहते जब तक तुम खाओगे नहीं मैंने उठना ही नहीं है यहाँ से। घर वालों ने दरवाजा पीट पीट के हार मान ली, पर धन्ना निकला नहीं। इन्होंने सोचा इसका तो कुछ हो नहीं सकता, उसके हाथ में छोड़ दो, जब भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगा, बाहर निकल जाएगा। धन्ना ने कहा निकलना था। तो इस प्रकार से कुछ दिन बीते, समय बीतता चला गया, धन्ना की हालत ऐसी हो गई, मरने की हालत हो गई। अब बड़ा हुआ है धन्ना, कह रहे आते क्यों नहीं हो, इतने शर्माते क्यों हो, निकलो निकलो। और जब प्राण बिल्कुल सूखने को हो गए और जब भगवान ने देखा कि जा ही नहीं रहा है, तो ठाकुर को आना पड़ा, भगवान को आना पड़ा। भगवान प्रकट हो गए और बोले, कैसे प्रकट हुए, पत्थर में से हाथ निकला।
हाथ जो है वो सीधा प्लेट में थाली में जाने लगा। तो धने ने हाथ पकड़ लिया, कहते ये क्या तरीका है, हाथ निकाल के क्या काम करते हो? कहते मैं सामने थोड़ा ना आऊंगा। कहते जब हाथ निकल गए तो पूरे ही निकल जाओ, इसमें क्या शर्माने की बात है, एक तो इतने लेट आए हो, मतलब डांट लगा रहा है। हम लोग तो इतने खुश हो जाए भगवान प्रकट हो गए, धन्य के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो डांट लगा रहा है भगवान की, तुम क्यों इतना लेट करते हो, पूरा निकलो। उसने खींच दिया भगवान को, भगवान पूरे पत्थर से बाहर निकल गए। और भगवान श्री कृष्ण जो है जब धन्य के सामने प्रकट हुए, बोला खाओ जल्दी, फिर मुझे भी खाना है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तो भगवान खाने लगे, कहते धन्य बड़ा स्वादिष्ट बना है, कहते इतना स्वादिष्ट लगा तो ठीक है पूरा मत खाओ, हम भी भूखे हैं, हमें भी थोड़ा खाना है, एक दो रोटी हमें भी छोड़ दो। कहते ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा भगवान ने खाया, फिर धन्य को बोला चला अब तुम खाओ, और भगवान अंतर ध्यान हो गए। धन्य ने वो प्रसाद खाया और कमरे से बाहर निकला। लोग कहते हो गया, निकल गई तेरी भक्ति, आगे अगर ठिकाने। बोला हाँ भोग लगा लिया उसने। बोला कि हाँ भोग तो लगा ही लिया होगा, 2 दिन के बाद जब भोग लगती है तो भगवान भोग लगा ही देते हैं, तो लोगों को क्या पता भगवान प्रकट हुए। अब तो ये रोज रोज का सिलसिला हो गया, धन्ना भोग लगाता और भगवान प्रकट होते। लेकिन भगवान कहते धन्ना कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, अगर मैं सबके सामने नहीं आना चाहता हूँ, इसीलिए जब हम भोग लगाते तो हम पर्दा बंद कर देते हैं पर्दे के अंदर, क्योंकि भगवान सबके सामने आते नहीं। तो धन्ना से कमरा लगा दे और रोज भगवान को भोग लगाए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, धन्ने के दिन बीतने लगे। अब उसके यहाँ पे क्या ना, उसके 2 बैल थे। अब धन्ना जैसा भोला वाला था, उसके जो घर के लोग थे उन्होंने थोड़ी चालाकी चली, उसके भाइयों ने जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो उसके भाइयों ने सारा सामान हड़प लिया और उसको क्या दिया, उसको 2 बैलों का जोड़ा दे दिया और बीमार और बूढ़े बैल दे दिए जो खेती भी ठीक से कर नहीं सकते थे, अच्छे वाले खुद रख लिए। अब ये बेचारा भोला वाला था, उसको पता नहीं चला। तो एक बैल जो है वो बीमार हो गया, धन्ने का या बीमार हो गया या मर गया, तो उसकी जगह पे धन्ना जो है हल अपने कंधे पर लेकर जोतता था। एक तरफ बैल होता था, एक तरफ धन्ना होता था। तो जब वो खेत जोतता था, ऐसे मेहनत करता था, बीच में बात अधूरी रह गई। एक समय की बात है, क्या होता था, धन्ना जो था संतों का बड़ा सेवी था, संतों से बड़ा प्यार था धन्ने को, भक्तों से देखो जो प्रेम नहीं करता वो व्यक्ति भक्ति का दिखावा करता है केवल। जो कहते हैं हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, हम भगवान से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन भक्तों का आदर नहीं करते, ऐसे लोग केवल झूठ बोलते हैं। धन्ना जो है संतों का इतना सेवी था, घर के अंदर जो भी अन्नदान होता था समय समय पर संतों को दान करना, कहीं से कोई टोली आकर को प्रसाद खिला देना, घर में बुलाना, घर वाले सब तंग हो गए और उन्होंने कहा हमारे पास साधु संतों को खिलाने के लिए इतना नहीं है, हम अपना ही गुजारा करने, बड़ी बात है तुम सारा का सारा संतों को खिला देते हो, क्या ये क्या तरीका है। तो धन्य को बड़ा बड़ी डांट पड़ती थी, पिता से भी डांट पड़ती थी, भाइयों से भी डांट पड़ती थी, लेकिन धन्ना तो धन्ना था। एक समय की बात है, धन्ना को उसके पिता ने एक बोरी कनक दिया कि बेटा ये बो देना, जाके अपने खेत में लगा देना, कनक की खेती तुम्हारी हो जाएगी। तो बैलगाड़ी पर लेकर वो जा रहा है, रास्ते से कुछ संतों की टोली आ गई, संतों को देखते प्रणाम किया, कहां से पधारे, बोले हम ऐसे ऐसे भ्रमण कर रहे हैं, जगह पे कहीं ढूंढ रहे हैं किसी वैष्णव का घर मिले तो वहां पर हम प्रसाद लें। धन्ना ने कहा मैं वैष्णव हूँ, आप मेरे यहाँ प्रसाद दीजिए। संत बड़े खुश हो गए और धन्ना को याद आया घर में तो ले जा नहीं सकता, घर में तो बवाल हो जाना है। तो धन्य ने क्या किया, खेत में ही उनका अरेंजमेंट कर दिया, कुछ बिछा कुछ दिया, बोला आप यहाँ बैठो मैं जरा आता हूँ। तो चक्की लेकर आए और ये कनक जो थी कुछ तो बेच दी उनके लिए और बाकी जो कुछ थे उसको बेच दिए, बीज जो थे वो बेच दिए और उसको बेच के बाकी सामान ले आए, जो चावल सब्जी नमक तेल और बढ़िया से जो है, उस समय तो चूल्हे होते थे, आजकल तो गैस के बिना हम सोच ही नहीं सकते बाहर कैसे, आउटडोर भी नहीं जा सकते। उस समय कहीं भी ऑन द स्पॉट आप मिट्टी का चूल्हा बनाओ, 2 ईंट रख के और जो है लकड़ियां कहीं भी मिल जाती थी और अपना कहीं पे भी चूल्हा चौका कर दो, बड़ा अच्छा सिस्टम था सनातन धर्म में, सब बर्बाद हो गया। तो धन्य ने फटाफट से बढ़िया से प्रसाद बनाया और सारे संतों को खवाया। संत लोगों ने इतना उंगलियां चाट चाट के प्रसाद खाया, बोले बहुत अच्छा तुम्हारा भाव है, बड़ा सुंदर प्रसाद तुमने बनाया, खूब आशीर्वाद लेकर चले गए। संत तो चले गए, अब धन्ना सोचे अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊं पिता के पास, अगल बगल वाले सब लोग बीज डाल रहे हैं, खेती कर रहे हैं, हल चला रहे हैं। धन्ना ने सोचा चलो बीज तो डाले नहीं, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए खेत जोत जाता हूँ, पिता को बोल दूंगा पिताजी बीज तो बोए थे, पता नहीं उगे क्यों नहीं, लगता बीजों में कोई दिक्कत होगी। तो आसपास के लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने भी बीज डाले हैं, धन्ना खेत जोतने लगा।
खेत जोतते हुए पूरा खेत जोता, शाम को जब घर में आया तो पिताजी ने पूछा बो दिए बेटा बीज? ते हाँ बीज बो दिए मैंने। अब बीज तो बोए थे लेकिन संतों के पेट में, खेत में तो बोए नहीं थे, झूठ भी नहीं बोला उसने। तो इस प्रकार से धन्ना जो है जब घर आया तो कुछ दिन हो गए, लोगों की खेती लहराने लगी, धीरे धीरे अंकुर निकलने लगे। अब धन्ने ने सोचा मैंने बीज तो बोए नहीं थे, मैं खेत में जाके करूंगा अभी क्या। तो वो खेत में जाता नहीं था, पिता कहते थे बेटा जा जरा देख अपनी खेती को, सिंचन कर, कुछ खाद पानी डाल। कहता है कोई नहीं हो जाएगा, भगवान की कृपा से हो जाएगा। तो मोहल्ले के कुछ लोग उनके घर में आए और बातें करने लगे उनके पिता से, धन्ना की खेती तो देखो क्या खेती है, ऐसी फसल तो आज तक हमने देखी नहीं, इतने कम समय में इतनी बढ़िया। धन्ना कहता ये लोग मजाक उड़ा रहे, मेरा उसमें से कुछ निकला तो होगा नहीं, बीज तो डाले नहीं, निकलना क्या था। तो धन्ना सुनता है लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये पक्का मेरे को पिताजी से छितर पड़वाएंगे। लेकिन सब लोग जब बार बार बोलने लगे कि बहुत अच्छी खेती हुई है, बहुत अच्छी खेती हुई है, धन्ना सोचता है कह क्या रहे हैं, कहते हैं आप लोग मेरा क्यों मजाक उड़ा रहे हो, खेती कैसे हो सकती है। बोले क्यों नहीं हो सकती। धन्ना फिर चुप हो गया, अब क्या बताए। बोला चलो चल के दिखाते हैं। तो धन्ना क्या देखता है, लंबी लंबी हरी हरी फसल जो है लहरा रही है। और धन्ना सोचता है बीज किसने डाले, बीज तो मैंने बोए नहीं, ये खेती कैसे हो गई। तो इस प्रकार से जब उसने सोचा भगवान की कृपा ही होगी, संतों का आशीर्वाद होगा, खेती भी हो गई और इतनी सुंदर खेती हुई धन्ना की, उसका पिता भी जो है कहता है बेटा मैंने तेरे को बड़ा बुरा भला कहा लेकिन तू तो बड़ा लायक बेटा निकला, ऐसी खेती तो मेरी पुश्तों में किसी ने नहीं करी जितनी अच्छी तुमने करी है। तो इस प्रकार से समय के साथ क्या हुआ, अब खेती बड़ी होने लगी तो धन्ना को एक नौकर की जरूरत पड़ी, क्योंकि धन्ना का काम था भक्ति करना। जो भक्ति करने वाले लोग होते हैं ना, वो इतना धंधे पैसे में फंस नहीं पाते। लोग जो होते हैं सामान्य भौतिकवादी लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए या सुख सुविधाओं के लिए, लेकिन भगत लोगों से होता नहीं है, इतनी मेहनत होती ही नहीं उनसे, क्योंकि उनकी सामान्य रुचि होती भगवान के भक्ति में। अब धन्ना का मन तो भगवान में लगा रहता था, वो सोचता था किसी नौकर को हम रखे, इतनी अच्छी खेती हुई है तो पैसे भी निकल ही जाएंगे उसकी। तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण स्वयं नौकर बनकर आ गए, अपने भक्तों के भगवान दास बन जाते हैं। ऐसे भगवान आप कहीं मिलेंगे नहीं, आप किसी धर्म मजहब में ऐसे भगवान के बारे में सुनोगे नहीं, यहाँ तक किसी देवता के विषय में भी नहीं सुनोगे। देवता लोग अपनी चाकरी जरूर करवा देते अपने भक्तों से, पर भक्तों की सेवा करने वाला ठाकुर तो केवल ये मुरली वाला है, इसके अलावा तो कोई देखने में कभी आता नहीं। भगवान जो है ऐसे गंदा से गमछा सिर पर बांध कर आ गए और बोले माई बाप मुझे कुछ काम दे दो, मुझे भूख लगती है, कुछ खाने को दे दो। धन्ना की पत्नी ने देखा भाई एक नौकर सामने से आ गया, तो जाकर बताया कि देखो आप जो है कोई आया है, पूछे कौन हो। ऐसे ऐसे फलाने गांव से मैं आया हूँ, पिंड से आया हूँ, मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता है, मैं बड़ा भूखा हूँ, मैं जो हूँ मुझे कुछ चाहिए, काम धंधा चाहिए। जय धन्ने ने कहा खेती में काम करोगे? ते हाँ करूंगा, खेती का तो मैं एक्सपर्ट हूँ, खेती तो मुझे ऐसे ऐसे करता हूँ मैं। कहते ज्यादा भड़किया मत मारो, देखो मेरा खेत जो है ना बड़ा स्पेशल है। बोले मैं भी बड़ा स्पेशल बंदा हूँ, चिंता मत करो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो क्या शर्त है तुम्हारी? मेरी शर्त ये है कि मैं खेत के अंदर ही रहूंगा, मैं घर में नहीं आऊंगा, खेत में ही मंजा डाल के सोऊंगा, दिन भर उसकी देखभाल करूंगा, रात को भी देखभाल करनी पड़ती है खेत की, कि कोई चोर ना आ जाए, कुछ ना आ जाए। धन्ने ने कहा ठीक है। तो बोला कि ठीक है, दो तिहाई हिस्सा मेरा, एक तिहाई हिस्सा आपका। तो भगवान कहते नहीं, दो तिहाई हिस्सा मेरा होगा जो कटाई होगी, एक तिहाई आपका होगा। धन्ना कहते आप दो तिहाई कैसे ले लोगे, मेहनत मेरी, हल मैंने चलाया, जोते मैंने और बीज अब बोलने लगे थे, पर याद आया बीज तो मैंने डाले थे, बीज तो संतों ने डाले थे। तो बोले नहीं धन्ना आगे, कहते बीज किसके थे। बोला बीज तो पता नहीं, तो भगवान जो है भगवान भी कुछ बोले नहीं, भगवान ने बीज डाले थे तो कहते दो तिहाई में लूंगा। बोला नहीं दो तिहाई नहीं मिलेगा, एक तिहाई लेना, बोलो नहीं तो जाओ। तो भगवान मोल भाव कर रहे अपने भक्त के साथ, कहते ठीक है तुम बड़े सख्त हो, एक तिहाई हिस्सा देना, लेकिन मैं खाता बहुत हूँ और मेरी शर्त यह है जिस दिन तुम मेरे खाने पीने पे रोक टोक लगा दोगे उसी दिन मैं चला जाऊंगा। बोले ठीक है, कभी तुम्हारे खाने पीने पे रोक टोक नहीं लगेगी, तुम चिंता मत करो।
अपनी पत्नी को समझा दिया धन्ना ने, भाई देखो ये एक तिहाई पे काम कर रहा है, बहुत सस्ते में मिल गया, सब कुछ ये करेगा, ये खेत में रहेगा, जोतेगा भी और हल भी चलाएगा और ध्यान भी रखेगा, पेस्टिसाइड भी डालेगा, सब कुछ खुद करेगा, हमें कुछ भी नहीं करना है, लेकिन इसको खाने को देती रहे ना, कभी इसको प्रश्न मत करना। बोले ठीक है, कितना खा लेगा एक आदमी है। अब उसको क्या पता था जगन्नाथ आ गए। अब क्या हुआ, वो खेत में रहने लगे और उनके लिए रोटियां जाती थी। बोले क्या चार चार छह 10-12 रोटियां लाते, कम से कम 20-25 रोटियां लाओ, उसमें तो काम चले मेरा। देख मैं 2 बार जो है रोटियां बांध कर धन्ना ही अपने घर से लाता था और उनके साथ बैठ के खेत में खाता था, और वो दिन रात खेत की सेवा करते थे, खेत की देखभाल करते थे। भगवान अपने भक्तों की सेवा करके बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन भक्त कभी नहीं चाहते कि भगवान हमारी सेवा करें। भक्त भगवान की सेवा करते हैं और भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से जब धन्ना के दिन बीतने लगे, समय के साथ क्या हुआ, एक दिन आने में देरी हो गई, तो बारिश का मौसम था, धन्ना को रास्ते से आने में देर हो गई, तो भगवान जो ऐसे एक टेंट जैसा लगा के उसमें लेटे हुए थे। तो उस दिन क्या हुआ, भगवान ने सोचा धन्ना तो पता नहीं कब आएगा, तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ। तो भगवान सोए हुए थे और एक पीताम्बर ओढ़ा हुआ था उन्होंने अपने शरीर के ऊपर। तो धन्ना जो है खूब सारी रोटियों का ढेरा जो लाता था वो लेकर आ गया। अब धन्ने ने बोला कि इसको उठा देता हूँ, खा लेगा, भूखा सो गया। फिर याद आया शास्त्र की मर्यादा है, सोते हुए व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कोई अगर सो रहा हो उसको जगा दे नींद से बिना किसी काम के, तो इससे हमें पाप लगता है। तो उसने सोचा इसको सोते हुए व्यक्ति को तो उठाना नहीं चाहिए, लेकिन भूखे व्यक्ति को उठा सकते हैं, जो भूखा सोया है उसको उठाया जा सकता है। ये सोच के धन्ना ने क्या किया, हल्का सा पीताम्बर सरकाया तो देख के दंग रह गया। किरीटी कुंडल मूल मुकुट धारण भगवान कृष्ण अपना स्वरूप बदलना भूल गए थे। उन्होंने सोचा धन्ने ने तो आना नहीं, धन्ना तो देख के घबरा गया, स्वयं ठाकुर जी ही मेरे घर में सेवा कर रहे हैं। उसने चुपचाप पीताम्बर वापस डाला और ऐसे बन के जैसे उसको कुछ पता नहीं और वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद भगवान उठे तो भगवान ने तुरंत अपना रूप बदला और उठ के कहते हैं, अरे आप कब से बैठे हो यहाँ पे। बोले अभी अभी आया हूँ, आपको आज मैं भोजन लाने में देरी हो गई, बारिश थी, कोई बात नहीं। दोनों ने बैठ के भोजन खाया। अब धन्ना जो है वो भेद तो जान गया, लेकिन वो बोल कुछ नहीं रहा। भगवान को तो सब पता, भगवान तो गड़गड़ के वासी, भगवान को भी पता है कि इसको पता चल गया, पर भगवान भी अनजान बने हुए हैं। तब धन्ना कहते हैं ऐसा करते हैं, मैं भी आपके साथ मदद करा दिया करूंगा यहाँ पे, और रात को सोने के लिए भी मैं आपके साथ आ जाया करूंगा। मैंने नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, इतने समय तक मैंने क्या, आगे भी मैं कर लूंगा। अब जैसे जैसे फसल की कटाई का समय आ रहा है, लगता है तुम्हारे मन में लालच आ रहा है, आज तुम मेरे साथ मदद कराओगे, कल को बोलोगे तुम्हें तीनों की तीनों हिस्से चाहिए, क्योंकि तुमने भी मदद की है, तो मैं इतना भोला भाला नहीं हूँ तुम्हारी तरह, मैं सयाना बंदा हूँ। तो भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसे प्रेम से बात कर रहे थे। अब धन्ना का व्यवहार बदल गया, पहले वो काम बताते थे तो भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान कहते हैं कि आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे, क्या हो गया, आप मैंने कोई गलती कर दी, आप करके बात करने लगे और इतना आदर देने लगे। धन्ना कहते नहीं बस ऐसे ही। तो एक बार क्या हुआ, भगवान ने कुछ ऐसी लीला करी, अब जो माता थी उसके घर में आटा धान खत्म हो गया, और पहले के जमाने में चक्की खुद पीसनी पड़ती थी, माताएं हाथ से चक्की पीसती थी, धान कूटती थी, मसाले कूट के सब कुछ सुबह सुबह तैयार करती थी दिन भर का, तो माता फिट रहती थी, हेल्दी रहती थी। आजकल की माता को जिम में जाके साइकिल चलानी पड़ती, दौड़ना पड़ता है, तो भी मोटी मोटी हो जाती है बेचारी। तो घर के काम करने से माता बड़ी सुंदर रहती थी, तो वो माता जी चक्की चला रही थी। अब चक्की चलाते हुए क्या बोला, देखो ज्यादा बनाया करो। वो बेचारा कहती नौकरी तो है, नौकर के लिए इतना क्या तुम करते हो, अब उसको क्या बताए। बोले अच्छे से बनाओ और अच्छे से। वो चक्की चलाते गुस्सा करके कहती है कितना खाता है, बस इतना बोला उस माता ने कितना खाता है, और वहां से भगवान गायब हो गए, चले गए छोड़ के। और धन्ना जब खेत में गया उसने देखा भगवान तो है नहीं, इस प्रकार से बहुत दुखी हुआ और अपनी पत्नी को आके बोलता है तुमने क्यों ऐसे शब्द कहे, भगवान चले गए। भगवान चले गए तो हाँ ठाकुर जी आए थे सेवक बन के, और इतने दिन उन्होंने तुम्हारे हाथ से भोजन स्वीकार किया, तो कितनी सौभाग्यशाली हो। तो वो भी बड़ी खुश हो गई, धन्य धन्ना के भाग को, ऐसे तो है धन्ना जट थे। तो बात क्या चल रही थी, शुद्ध भक्ति की। धन्ना ने कभी भी भगवान से कुछ मांगा नहीं, इसलिए भगवान ने अपने आप को ही उन्हें दे दिया। हम भगवान से 10-20-30 रुपए 100 रुपए 40 रुपए मांग लेते हैं, तो भगवान कहते चल भाई तू इसमें ही खुश रहे, तू इतने में ही राजी है, मैं तो तुझे अपना आप देना चाहता था, पर चल अब क्या जरूरत है देने की। तो भगवान से जब हम मांगने जाए तो एक ही चीज मांगे, पता है क्या मांगना, बताओ क्या मांगना चाहिए,
भक्ति, और जिसके अंदर बुद्धि नहीं है ना, भक्ति के भी भक्ति मांगना भी आता नहीं, कैसे मांगी जाती है। वो बस इतना मांगो कि हमें तो मांगना ही नहीं आता, भगवान हमें आप बुद्धि दे दो कि हम मांगना सीख जाए, हमसे क्या मांगना है ये बुद्धि हमें दे दो। जैसे कोई छोटा बच्चा आता है ना पंडित जी के पास मांग जाती है, इसको सदबुद्धि दे दो, इसको आशीर्वाद दो, इसको बुद्धि आए, इससे सदबुद्धि आए। अरे इसको तो आ जाएगी, पर तेरे को सदबुद्धि कौन देगा? तुम बच्चे को तो कह रहे हो सद्बुद्धि दिलवाओ, तुम खुद भगवान से क्या क्या मांगते हो जाके। तो बड़े लोग सोचते हैं सद्बुद्धि का मतलब है पढ़ाई लिखाई करे, होशियार हो जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो पंडित जी भी कहेंगे भाई इसको तो बाद में सद्बुद्धि देंगे, पहले तुम्हें सद्बुद्धि देनी पड़ेगी। डॉक्टर इंजीनियर बन के क्या करेगा, पैसे कमा के पेट पालेगा, वो तो कुत्ते बिल्ली भी पाल ही रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पेट तो हर व्यक्ति पाल ही लेता है, लेकिन जब नरकों में जाना पड़ता है कर्मों को करने के बाद में, तो वहां पे यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। असली बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो केवल भगवान की भक्ति मांगता, कुछ नहीं मांगता। तो भगवान से केवल उनकी शुद्ध भक्ति मांगनी है, देवी देवताओं से भी भगवान कृष्ण की भक्ति मांगनी है। एक मैं आपको और कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, नवद्वीप नाम की एक जगह है बंगाल में, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। वहां पे नौ द्वीपों का समूह है, उसमें से एक द्वीप का नाम रुद्रद्वीप। रुद्रद्वीप जो है वो भगवान शंकर जी की भूमि है। एक समय की बात है, दो चोर वहां पर आए, रात्रि का समय था और एक बेल पत्र का पेड़ था, उसके नीचे शिवलिंग वहां पर स्थापित था। अब उन चोरों ने सोचा यहाँ पे बैठे तो है ही, टाइम पास करने के लिए कुछ करना है, तो उन्होंने क्या किया, पेड़ पर चढ़ गए और पत्ते तोड़कर नीचे डालने लगे। वो पत्ते जो है रात भर शिव जी को चढ़ते रहे, शिव जी को भोले भंडारी है, उन्होंने सोचा ये मेरी भक्ति कर रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं, और रात भर जागे हैं, सोए भी नहीं, इतनी मेरी भक्ति कर रहे हैं। तो भोलेनाथ जी जो है भोले भंडारी है, वो आशुतोष भी है, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बोले भोले भंडारी भगवान की, ऐसे भोले भंडारी जो है फिर वो प्रकट हो गए। अब भोले बाबा प्रकट हो गए, कहते वर मांगो। ये दोनों तो घबरा गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे, हमने तो इनको बुलाया नहीं, कहां से आ गए, और हम तो इतने पापी, हमें कैसे दर्शन हो गए। अब ये दोनों घबरा गए, लेकिन बुद्धि इतनी थी उन दोनों को, उन्होंने हड़बड़ाहट भी जल्दीबाजी नहीं करी, उन्होंने सोचा भगवान प्रकट हो ही गए तो कुछ मांग ही लेते हैं। तो भोले बाबा कहते जल्दी बताओ क्या बात चाहिए, मुझे आगे भी जाना है, और भी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो कहते 2 मिनट भोले बाबा, 1 मिनट हम डिस्कस कर लेते हैं क्या मांगना चाहिए। तो पहला कहते क्या मांगे भाई, कहते पैसा मांग लेते हैं, चोरी करनी नहीं पड़ेगी। दूसरा कहते पैसे क्या होती है यार, कुछ अच्छी चीज मांगते हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां मांग लेते हैं, सोना चांदी मांग लेते हैं। तो बोला कि मुझे लगता है इनके पास इससे भी ज्यादा कुछ होगा। तो इतनी बुद्धि उनके अंदर थी, उन्होंने कहा भोलेनाथ आपके पास सबसे अमूल्य जो चीज है वो हमें दे दो। भोलेनाथ वाह बेटा, बड़े चतुर निकले तुम तो, देखो होशियारी वाली बात, मूर्ख व्यक्ति भी कभी कभी रॉन्ग नंबर भी लग जाता है। अब उन्होंने कहा सबसे अमूल्य चीज जो आपके पास है वो आप हमें वस्तु दे दो। भोलेनाथ कहते सबसे अमूल्य धन तो मेरे पास कृष्ण प्रेम है, कृष्ण की भक्ति है, मैं तो रात दिन राम नाम जपता हूँ अपने हृदय में, तो मैं कृष्ण प्रेम दे देता हूँ। भोलेनाथ जी ने आशीर्वाद दिया और दोनों के दोनों भक्त बन गए, भगवान की शुद्ध भक्त बन गए, सारे लक्षण प्रकट हो गए शरीर में, आंखों से आंसू आने लगे, शरीर कंपायमान हो गया, उनकी जड़ चेतन ग्रंथि खुल गई और 24 घंटे भगवान के हृदय में स्मरण होने लगा। वही बात जो है यहाँ पे नारद जी बता रहे हैं, जब भी नारद जी भगवान का चिंतन करते हैं, कथा सुनते हैं, उनका उनको याद करते हैं, तो भगवान तुरंत उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। हम भी पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमारे हृदय में आज ठाकुर जी प्रकट नहीं होते, हमारे तो आंखों के सामने से भी ठाकुर जी ओझल हो जाते हैं, भगवान के सामने बैठे होते हैं तो भी हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है। लेकिन नारद जी का ऐसी अवस्था है कि भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो ये शुद्ध भक्ति का प्रभाव है, शुद्ध भक्ति पहले ही किसी को मिलती है, लेकिन मिल सकती है अगर हम चाहेंगे। ये उस व्यक्ति को कभी नहीं मिलेगी जो छोटी मोटी चीजों में राजी हो जाता है, छोटी मोटी चीजें मांग के काम खत्म करता है, तो भगवान भी छोटे मोटे मुश्किल काम खत्म कर देते हैं। इसीलिए अगर बड़ी मछली को पकड़ना है तो छोटी छोटी मछलियां छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है जी, इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। कृतार्थ भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, और भगवत की। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी का धन्यवाद, हरे कृष्ण।